यदि आप भी अपने जीवन में कुछ अलग करने की ठान ली और उस लक्ष्य को लेते हुए आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको सफलता जरूर मिलती है। जी हाँ, यह कर दिखाया है बिहार के पूर्णिया जिला के रहने वाली 24 वर्षीय प्रियंका गुप्ता जी ने। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में प्रियंका गुप्ता से जुड़ी सारी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जैसे उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी एज क्या है, वो कहाँ के रहने वाली हैं और वो अपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रियंका गुप्ता का जन्म 1997 में बिहार के पूर्णिया जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। प्रियंका एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा बिहार के पूर्णिया जिले यानी कि अपने गांव से ही की है। बाद में इन्होंने अपने स्कूली शिक्षा को जारी रखने के लिए और अच्छी क्वालिफिकेशन के लिए इन्होंने ये बनारस शिफ्ट हो गई और वो अपनी वहीं से अपने स्कूली शिक्षा को जारी रखा। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन इकोनॉमिक सब्जेक्ट से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से 2019 में पूरा किया और इन्होंने ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद लगातार 2 साल तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, लेकिन उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगा। कारण यह है कि भारत में बढ़ रहे बेरोजगारी और गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत करना पड़ रहा है, इसलिए इन्होंने कुछ अलग करने का सोचा। एक दिन की बात है कि ये अपनी फ़ोन में वीडियो देख रही थी, अचानक MBA चाय वाला यानी कि प्रफुल्ल बिलोरे जी का एक वीडियो सजेस्ट हो गया इनको, तो वो वीडियो देखी और उस वीडियो से काफ़ी इंस्पायर हुई। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप MBA चाय वाले को तो ज़रूर जानते होंगे, जो अभी हाल ही फिलहाल में फेमस हुए हैं और वो आज एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुके हैं। और प्रियंका गुप्ता को भी कुछ अलग करना था, लेकिन अपने माता पिता के दबाव से वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रही थी। प्रियंका गुप्ता MBA चाय वाला से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुई और वो फाइनली डिसाइड कर ली कि हम भी यही धंधा करेंगे। लेकिन वो कहावत आपने जरूर सुना होगा कि सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। कहीं ना कहीं प्रियंका का रास्ता का यही रोड़ा बन रहा था। वो सोच रही थी कि अगर मैं चाय बेचूंगी तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। कहीं ना कहीं ये उनकी रास्ते का रोड़ा बन रहा था। तो दिन भर ये सोचती थी कि अगर हम चाय बेचेंगे तो लोग हमको क्या कहेंगे, कि ये एक लड़की होकर के चाय बेच रही है, अच्छे घर में इसके माता पिता शादी करा देते या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब कर लेती। तरह तरह की बातें प्रियंका गुप्ता के दिमाग में चल रहे थे। लेकिन एक दिन ये डिसाइड की कि हमको चाय बेचना है तो बेचना है। एक बार आप अगर लक्ष्य को आप ठान लोगे तो उस लक्ष्य को अचीव करके ही रहोगे। कुछ ऐसा ही कर दिखाई प्रियंका गुप्ता ने। अपने माता पिता से झूठ बोली कि हम जा रहे हैं पटना, वहीं पर अपना हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे। लेकिन वो यहाँ आकर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी न करके जितने भी पटना में चाय के स्टॉल थे, छोटे छोटे जितने भी चलते, चाहे वो गोलगप्पे के हो या फिर और भी जितने सारे छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए थे रोड के किनारे, वो सबसे जाकर के जुड़ी, बात की कि आखिर आप लोग अपने बिजनेस को कैसे चलाते हैं, क्या आपको दिक्कत की सामना करना पड़ता है, क्या नहीं होता है। इस सारी जानकारी ऊपर से लेकर के नीचे तक जितने भी हो सके स्टॉल लगाने की जानकारी वो प्राप्त करती थी। फाइनली वो डिसाइड कर ली कि हम अब चाय का स्टॉल खोलेंगे। अब चाय का स्टॉल खोलने की तो तैयारी हो चुकी थी, लेकिन सारे रास्ते के रोड़े खत्म हो चुके थे। अब बस बारी आया पैसे की, तो पैसे की प्रबंध कैसे किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि जा करके बैंक से हम लोन ले लेते हैं। बहुत सारे बैंकों में जा करके वो देखी, लेकिन उनको कोई लोन देने के लिए तैयार हो ही नहीं रहा था। वो किसी को ये बात शेयर नहीं करना चाहती थी कि मैं एक चाय का स्टॉल खोलने वाला था। फाइनली एक अपने दोस्त को वो बात शेयर की कि हम चाय का स्टॉल खोलना चाहते हैं, आप हमें कुछ मदद कर दो। तो उनकी फ्रेंड ने 30,000 रुपये की उनकी मदद की। स्टार्टिंग में उन्होंने 30,000 रुपये से अपने चाय का स्टॉल स्टार्ट करने का सब कुछ प्रबंध हो चुका था। अब डिसाइड करना था कि लोकेशन कहाँ रखें। तो उन्होंने बहुत सारे जगह पर घूम लिया था पहले ही, बस वो सोचती थी कि हमारे लिए कौन सा जगह परफेक्ट होगा। तो फाइनली एक जगह डिसाइड की, पटना ओमेन कॉलेज, जो कि आप जरूर कहीं ना कहीं वीडियो में देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो आपको मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद चेक कर सकते हैं। पटना ओमेन कॉलेज के सामने ये अपना चाय का स्टॉल खोलने की डिसाइड की, क्योंकि ये भी रीजन ये था कि वो एक लड़की थी और जब उनके पास ओमेन ही चाय पीने आएगी तो इंटरकनेक्शन जो होता है वो अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर उनके लिए वो जगह परफेक्ट था, इसलिए वो सोची कि हमारे लिए यही जगह परफेक्ट है, इसलिए वहीं अपना चाय का स्टॉल की और 11 अप्रैल को अपना फर्स्ट चाय का स्टॉल खोली थी। आज उनका टर्नओवर पर डे का 10,000 रुपये हो चुके हैं। जी हाँ, सही सुना आपने,
10,000 रुपए। दोस्तों आप भी कभी अगर इनके चाय स्टॉल पर जाना चाहते हैं तो मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर को 12 बजे तक इनका चाय स्टॉल खोलने का टाइमिंग है। और जाइए आप भी इनके चाय स्टॉल पर चाय पी करके चाय का आनंद लीजिए। इनके पास 4 तरह के चाय मिलते हैं, जैसे एक कुल्हड़ वाली चाय जो कि नॉर्मली हर जगह मिल जाती है, और एक है चॉकलेट चाय जो कि लगभग इन जगहों पर मिलती है, और एक है पान वाली चाय और एक मसाले वाली चाय। इन सब का लिस्ट आप खुद देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं, और बाकी जितने भी कमियां होंगी हमारे अंदर धीरे धीरे दूर करने की कोशिश जारी है। दोस्त धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।